तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, लेवल्स क्या क्या रहेंगे और आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी शेयर के ऊपर अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। और दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैंने कम्युनिटी में लेवल्स जो है वो दो दिन अपलोड किए थे, वहाँ पे कम्युनिटी टैब में मैंने सारे लेवल्स डिस्कस किए थे आपसे और मार्केट जो है वो उसी दिशा में जाते हुए हमें आज भी दिखा था और ट्यूसडे को भी दिखा था। तो जो भी लोग अभी तक कम्युनिटी टैब नहीं चेक करते तो प्लीज़ चेक किया करो ताकि जब कभी भी मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बना के अपलोड करने के लिए तब मैं वहाँ पे कम्युनिटी में वो लेवल्स जो है वो सब अपलोड कर देती हूँ, वहाँ पे एक अपडेट कर देती हूँ पोस्ट अपलोड करके। तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब भी देखा करिए ताकि आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए हेल्प हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज की निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,847 के पास। यहाँ पे investing.com पे 841 क्यों दिखा रहा है आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम होगा टेक्निकल में। अभी निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 11,847। निफ्टी एंडेड इन अ ग्रीन फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन टुडे, सो अहेड ऑफ जून डेरिवेटिव एक्सपायरी। द रैली वॉज लेड बाय बैंक्स, मेटल्स एंड फार्मा स्टॉक्स एंड ऑप्टिमाइजम ओवर US चाइना ट्रेड डील। सो अभी निफ्टी ने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग हमें दी है और उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है डेली चार्ट पे। सो द इंडेक्स हैज आल्सो गिवन अ 7 डेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी जो है वो 850 और 625 के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था कि इसके ऊपर का या फिर 625 के नीचे का ब्रेकआउट मिलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर इसके ऊपर 850 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड के लिए हमारे फिर से जो लेवल है 12,000 और 12,100 तक के वो यहाँ से खुल सकते हैं। तो आज कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला है, 12,100 और 12,000 के लेवल्स हमें जो है यहाँ से दिखाई दे सकते हैं क्योंकि निफ्टी ने जो है वो अपने रेंज के ब्रेकआउट का और सॉरी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम लोग बाद में बात करते हैं लेवल्स के ऊपर, अभी फिलहाल देख लेते हैं ऑप्शन डेटा निफ्टी 50 का। अभी मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन है और आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 11,847 के पास। तो 27 जून की एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी है तो हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो 847 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 11,850 के पास एट दी मनी है। तो अगर हम 11,850 के लेवल की बात करें तो 11,850 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और उसके सामने पुट साइड में 9,78,900 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो 11,700 के पास कॉल साइड में 9,19,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है
और उसके सामने पुट साइड में 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी के लिए जो यहाँ से एक सपोर्ट बनता है वो है 11,700 का लेवल। अगर हम 11,800 के लेवल की बात करें तो कॉल साइड में 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और उसके सामने पुट साइड में 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर नीचे के साइड में हम सपोर्ट की बात करें निफ्टी के लिए, तो निफ्टी के लिए ऑप्शन डेटा से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 11,800 के पास और 11,700 के पास, और अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो 11,900 के पास 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में और उसके सामने पुट साइड में खड़ा है 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में तो वो खड़ा है 35,23,650 का, जो कि है 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो निफ्टी के लिए ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 12,000 का लेवल। अगर उसके बाद में हम देखें सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो खड़ा है 11,900 के पास। तो 11,900 और 12,000 के जो लेवल्स है ये निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। तो आज अगर हम कॉल साइड में राइटिंग की बात करें तो आज सबसे ज्यादा हमें राइटिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है, तो वो दिखाई दे रही है 11,950 के लेवल के ऊपर, जो कि है 5,47,875 की। और अगर हम सपोर्ट की बात करें पुट साइड में तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है निफ्टी 50 के लिए, तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 39 लाख का, तो वहां पे जो है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 11,700 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 35,38,000 का जहां पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो 11,800 के लेवल के ऊपर निफ्टी के लिए जो एक सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर हम पुट साइड में आज देखें तो यहाँ पे 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें दिखाई दे रही है 11,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 11,700 के ऊपर और 11,800 के ऊपर, और रेजिस्टेंस जो है वो है 11,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर और 12,000 के लेवल के ऊपर। तो अगर हम ऑप्शन डेटा से निफ्टी की एक रेंज निकाले तो ऑप्शन डेटा से निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है यहाँ से, तो वो आ रही है 11,700 से लेके 11,900 और 950 के बीच में। तो ऑप्शन डेटा तो हम लोगों ने देख लिया है, तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर चल के हमारे जो लेवल्स है वो देख लेते हैं एक बार। अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि निफ्टी ने जो है वो अपना यहाँ से ब्रेकआउट हमें दे दिया है और वो ब्रेकआउट दे दिया है अपसाइड में, तो यहाँ से जो है वो निफ्टी में अपसाइड के लेवल्स जो है वो खुल सकते हैं 900 और 950 तक के और 12,000 तक के लेवल्स। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में कल बोल रहे थे कि निफ्टी जो है वो यहाँ से नीचे गिरेगा, तो देखिए मार्केट जो है वो किसी का सुनता नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ने हमें कल ही बता दिया था कि मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है और इतनी बड़ी जो बुलिश कैंडल फॉर्म की है, तो बट ऑब्वियस मार्केट जो है वो यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। कहाँ तक रहेगा, वो लेवल्स क्या रहेंगे, वो सब हमारा काम है देखना। तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। सो निफ्टी ओपन लोअर एट 11,768 ऑन वीक ग्लोबल क्यूज एंड हिट अ डेज लो ऑफ 11,757 इन अर्ली ट्रेड। सो इट लेटर रिबाउंडेड एंड एक्सटेंडेड गेन्स एज द डे प्रोग्रेस टू हिट अ डेज हाई ऑफ 11,871। सो द नाउ इंडेक्स दी क्लोज्ड एट, सो नाउ इंडेक्स क्लोज्ड 11,847। सो निफ्टी अपीयर्स टू हैव रजिस्टर्ड अ ब्रेकआउट
not only from its 4-day consolidation zone of 843 and 635, but also from a descending channel which was in progress from the corrective swing highs of 12,100 for last 15 days. तो अभी यहां से निफ्टी में हमें क्या देखना है, तो अभी यहाँ पे आपको एक लेवल देखना है, वो है 11,760 का। अगर ये लेवल टूटता है, किसी भी हाल में अगर ये लेवल टूटता है, तो फिर से जो है वो निफ्टी हमें 200 और 250 पॉइंट्स के करेक्शन में जाते हुए दिख सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 600 और 650 तक के लेवल्स तक, अगर 760 टूटता है तो। 11,760 इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर निफ्टी। अगर इसके नीचे निफ्टी निकल जाता है तो हमें डाउनसाइड के लिए फिर से जो है वो 600 और 650 तक के लेवल्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सो इंडिया विक्स फेल 1.73% टू 14.75। वही अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए जो अभी हमारा फर्स्ट टारगेट है, तो वो फर्स्ट टारगेट है 11,880 का। यहाँ पे एक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, और उसके बाद में जो सेकेंड टारगेट है वो है 11,910 का लेवल। तो ये दो रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी ये दो रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के पास है वो है 11,950 का लेवल। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो है 11,760 के पास। तो अगर 11,760 टूटता है तो यहाँ से जो है निफ्टी फिसलता हुआ हमें दिख सकता है 600 और 650 के लेवल तक। तो निफ्टी के लिए मैंने अपने लेवल्स बता दिए हैं आपको, आप अपने चार्ट के ऊपर ये सब जो लेवल्स है उन्हें मार्क करके चलिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है वो है 31,162 के पास। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो हम लोग पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अभी मेरे सामने 27 जून की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और 31,162 की क्लोजिंग आई है। इसका मतलब हम लोग 31,100 और 200 के बीच में एट दी मनी है। तो अगर हम 31,000 के लेवल की बात करें तो 31,000 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में 4,53,200 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा अगर हम कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फिलहाल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो खड़ा है 5,76,140 का, जो कि है 31,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और उसके बाद में 31,400 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 5,27,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है, और 31,200 के लेवल के ऊपर 5,62,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़ा है। तो अगर हम आज राइटिंग की बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो राइटिंग हमें यहाँ से दिखाई दे रही है वो है 31,400 की, 400 के लेवल के ऊपर 2,97,460 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें कॉल साइड में दिखाई दे रही है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 31,200 का लेवल, और उसके बाद में 31,500 का लेवल। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट साइड में आज सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 9,81,840 का, जो कि है 31,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और उसके बाद में 30,500 के ऊपर 9,11,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए जो यहाँ से पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 31,000 का लेवल, और उसके बाद में 30,500 के लेवल। तो ऑप्शन डेटा से अगर हम एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो निफ्टी बैंक की जो ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे नजर आ रही है वो है 30,500 से लेके 31,500 तक की। तो ऑप्शन डेटा तो हम लोगों ने देख लिया है, तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के।
तो निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 31,162 के पास। सो अभी मेरे सामने वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है निफ्टी बैंक का। सो बैंक निफ्टी ओपन पॉजिटिव एंड विटनेस्ड बाइंग मोमेंटम थ्रू आउट दिस सेशन टू एक्सटेंड इट्स गेन्स टूवर्ड्स 31,200. The index closed now 31,162. So now it a form a bullish candle on the daily scale and given a consolidation breakout after 7 trading session to hold above 31,000 level. So 7 session se jo hai wo निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन करते हुए हमें दिखा था और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिल गया है 31,000 के लेवल के ऊपर। सो The index has surpassed its failing supply trend line and is negating its lower high, lower lows on the weekly scale. So now it has to continue to hold above 30,800 level. तो अभी निफ्टी बैंक में जो इम्पोर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए वो है 30,800 का लेवल। ये जो लेवल है वो निफ्टी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव है, अदरवाइज अगर 30,800 टूटता है तो निफ्टी बैंक जो है वो 30,500 और 30,250 तक के टारगेट्स नीचे के साइड में हमें दिखा सकता है। वही अगर बात करें अपसाइड की तो अपसाइड के लिए 30,800 के ऊपर है, इसलिए फर्स्ट जो यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा अभी 31,250 का लेवल और उसके बाद में 31,500 का लेवल, ये अपसाइड के लिए टारगेट्स रहेंगे। तो ये जो सब लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो सब अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके चलो, आपको ट्रेडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज के लिए इस वीडियो के लिए यही तक था, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।